So, good evening, friends. गुड इवनिंग सर। वेलकम टू आवर ऑनगोइंग केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स व्हिच इज कमिंग टू ऑलमोस्ट एन एंड। और आई एम गुड सॉरी, इवनिंग सर। जी स्ट्रेंथ हम लोगों की बिल्कुल। बहुत कम है, दो तीन लोग ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, बट क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज दिस इज ओनली अ कंटिन्यूएशन ऑफ बीटीआर टुडे। बीटीआर का मेन कॉन्सेप्ट्स तो 2 दिन जो हमने वर्कशॉप किया उसमें क्लियर हो ही गया है। वी हैव टेकन अप यू नो ऑल टाइप्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बीटीआरस। तो आज हम ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्टेप वाइज मैं आप ही लोगों से कोशिश करूंगा कि आप ही लोग बताएं कि क्या है, कैसे है, सो दैट क्लैरिटी और भी हो जाएगी। मैं आज खुद अपने आप थोड़ा कम इंडल्ज करूंगा, आप ही लोगों से कोशिश करवाऊंगा। दो केसेस हैं हमारे पास, एक तो जिसमें कि सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ नोन है, जिसमें कि ईयर भी, मतलब ईयर का आइडिया है 1951 है या 1952 है, उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। ओनली द प्लेस ऑफ बर्थ इज नोन, सो दैट इज वन। एंड सम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, वो जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा है मैंने, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। व्हाट द नेटिव इज टेलिंग यू कि हम जब पैदा हुए थे तो क्या था, जैसे लोग बताते हैं ना होली, दशहरा, दिवाली, जैसे पिछला हम लोगों ने एक केस किया था कि दशहरे, नवरात्रों में श्राद्ध के 3-4 दिन बाद। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज एंड लीड्स दैट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन। इसी तरह एक केस है जो कि अभी हम उसको खोलते हैं, जिसमें कि ओनली द प्लेस ऑफ बर्थ इज नोन, ईयर का भी कंफ्यूजन है, 1951 है या 1952 है, उसको हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक इसी तरह का सिमिलर केस एक और है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों से ही कोशिश करते हैं कि जिसमें कि आपकी आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, कैसे बीटीआर करना है। एंड दिस इज अ फुल फ्लेज्ड जो अभी हम करने जा रहे हैं स्टेप वाइज, जिसमें कि हमें ईयर भी एस्टेब्लिश करना है, मंथ भी एस्टेब्लिश करना है, डे एस्टेब्लिश करना है, उस पर टाइम भी एस्टेब्लिश करना है। नथिंग इज नोन एक्सेप्ट द प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ तो खैर, प्लेस ऑफ बर्थ मैंडेटरी है जानना, उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू। नहीं, ये नहीं है, 1 मिनट, ये नहीं है। ओके, सो देखिए, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन सी द नोट्स, द राइट अप। बीटीआर व्हेन ओनली प्लेस ऑफ बर्थ इज नोन एंड नेटिव इज नॉट श्योर ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, पता ही नहीं है कुछ, ये हमारे रिलेटिव का ही है। डेटा ऑफ बर्थ पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड बाय द नेटिव। प्लेस ऑफ बर्थ, दिस इज अ प्लेस कॉल्ड पूर्णिमा इन बिहार, बिहार प्रोविंस ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट ऑफ इंडिया। ईयर ऑफ बर्थ इज 1950 और 1951, ना 50 या 50, मैं 51 52 कह रहा था, 1950 और 1951। अनदर एक्सट्रेनियस बट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मदर वाज दैट ही वाज बोर्न अबाउट 10 टू 15 डेज आफ्टर होली,
होली के 10 या 15 दिन के बाद पैदाइश हुई थी, तो होली अगर हम ईयर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो हमें गूगल से पता चल जाएगा कि होली उस साल किस दिन हुई थी, ठीक है ना। तो उसी को हम एक लीड या क्लू लेके फिर वी कैन प्रोसीड। आफ्टर होली हर साल होती है, आफ्टर वी एस्टेब्लिश द ईयर ऑफ बर्थ। ओके नाउ सो इन सच केसेस वेयर द एस्ट्रोलॉजर हैज टू फर्स्ट एस्टेब्लिश द ईयर ऑफ बर्थ, ईयर को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप बताएं ईयर को एस्टेब्लिश करने के लिए। ईयर हमें नहीं पता है, आप आइडिया है कि 50 हो गया या 51 होगा, तो हम कैसे, हाउ विल वी स्टार्ट। से जी पता चलेगा, जुपिटर से पता चलेगा, जुपिटर का प्लेसमेंट। जुपिटर, ठीक है, जुपिटर के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो जुपिटर का प्लेसमेंट हम, ओके सो वी हैव टू असर्टेन द सेम फ्रॉम द पोजिशन ऑफ जुपिटर इन द जोडियाक। ओके फॉर द गिवन इयर्स, 2 इयर्स आर इन्वॉल्व, सी इन विच ईयर जुपिटर वॉज इन द पोजिशन ऑफ सेंसिटिव पॉइंट्स कोइंसाइडिंग विद द रूलिंग प्लैनेट्स ऑब्टेनिंग एट द टाइम ऑफ जजमेंट। ओके द बीटीआर एक्सरसाइज वॉज टेकन अप एट, ये डेट दिया आपने। आप लोग एक प्लीज कागज और पेंसिल पे, क्योंकि ये सामने से हट जाएगा, ये रूलिंग प्लैनेट्स को नोट कर लीजिए, ये इस म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से आवाज, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, ये आप लोग कागज पेंसिल पे प्लीज नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। ये बार बार आपको इस वापस जाकर रेफरेंस स्क्रीन तो गायब हो जाएगी, रेफरेंस के लिए मैं भी नोट कर लेता हूँ, फोटो खींच लेता हूँ मैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, सर कर रहे हैं। हाँ कर लीजिए, हो जाएगा तो बताइएगा, देन वी विल स्टार्ट प्रोसीडिंग। कर लिया, जी सर, ठीक है। तो देखिए अब स्टार्ट करने के लिए, वो एक्चुअली ये 51 या 52 था, मैंने शायद नोट करने में मिस्टेक किया, ईयर 51 या 52 था, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जुपिटर की मूवमेंट हम कहाँ से देखना शुरू करेंगे, बताइए आप लोग हमें, हम कैसे करेंगे, जुपिटर की मूवमेंट कहाँ से हमें मिलेगी, कैसे हम ट्रैक करेंगे। सर एपिफेमेरीज देखेंगे उसका, 1951 का ठीक है, देखेंगे सर, वो किस राशि में है, वो राशि का जो लॉर्ड है वो हमारा आरपी बन रहा है कि नहीं ठीक है, किस साल का देखेंगे, सर। 1 by 1 दोनों इयर्स का देखेंगे। हाँ 51 और 52 का हम देखेंगे, ठीक है, 51 या 52 का हम देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए, ये हम 19, पहले कौन सा साल खोलें, 51 ही देखते हैं सर, दो 51 और 52 वो जो उन्होंने इवेंट बताया था सर वो किस साल हुआ था। तो वो बाद में, बाद में
पहले अभी पहले हमको पहले अच्छा तो ईयर वही पता नहीं है ना, हाँ होली हर साल होती है ना ये, अच्छा होली अच्छा अच्छा अरे अच्छा उन्होंने नहीं पता, उनको ईयर नहीं पता ताहिर जी, हर ईयर साल उन्होंने हाँ 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 बस ठीक हो बोला बात ठीक होली के 15 दिन ही, तो होली तो हर साल हाँ होती है। हाँ हाँ ये देखिए, ये हमने एफएमएरएस खोला, इसको हम 1951 कर देते हैं। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हमें हाँ दिख नहीं, हमें वही स्क्रीन दिख रही है नहीं वो। है क्या? एक सेकंड रुक तो जाइए रुक जाइए, सर सॉरी हमें 51 में होली का एक पता मिनट है, एक मिनट वो एक किस मिनट डेट को एक हुई थी? एक 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 सेकंड एक सेकंड प्लीज। साहिल जी पहले एपिफेनी से हम लोग 51 52 फाइनल करेंगे, रुक फिर हम जाइए, होली। हाँ रुक जाइए रुक जाइए, आप दिख रहे सर? आ रहा है ना? जी सर। कहाँ मिलता है हमें एफएमएरएस बताइए, ट्रू एस्ट्रोलॉजी में? टूल्स सर टूल में ही होगा सर। टूल्स में कहाँ मिलता है में सर, सर? क्लिक सामने करो डिटेल आ जाती है उसकी। सर, एक बार क्लिक करना टूल्स पे, टूल्स और व्यू में, इन दोनों में से कहीं चलिए होगा। टूल्स में कर दिया, बताइए क्या हाँ जाना है? आ गया सर, एफीमेरिस आ गया ना सर। हाँ ये ये वाला, ये एफ एम एरीज़ है। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा? ये तो 2024 नजर यहाँ आ, 1951 डालिए। सभी लोग देखिए हाँ, कहीं का अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछिएगा 1951। ठीक सर है आप यही है कि होली का फेब्रुअरी या मार्च में होती है, राइट? मार्च में ही होती है मोस्टली। ठीक है, तो हम क्या डालें इसमें? मार्च मार्च डाल दो सर, थ्री डालें कौन फिर सा डालें डालें? थ्री हम? मंथ मार्च थर्ड मंथ। ठीक है, अब जुपिटर पे जाइए। ठीक है, अब जुपिटर को देखें आप। अब हमें क्या चॉइस मिल रही है बोलिए? देखिए जुपिटर, देखिए मार्च में एक्वेरियस एक्वेरियस और पाइसिस में है दोनों, सर, एक्वेरियस पाइसिस में है, में जा और रहे हैं, पाइसिस में भी जा रहे हैं। एक्वेरियस तुम्हारे काम का नहीं है सर। एक्वेरियस तो काम का नहीं है, सैटर्न हमारा लॉर्ड है ही नहीं, क्यों नहीं रूलिंग है प्लैनेट। काम का? हाँ सर सैटर्न रूलिंग प्लैनेट नहीं है सर। सैटर्न नहीं है, ठीक है, तो हाँ फिर जी, जुपिटर पाइसिस वाला ना। चाहिए हमें। हाँ जुपिटर सर 2 बार आ रहा है ना, तो पाइसिस, हाँ पाइसिस होगा सर, 24th मार्च हाँ से। ठीक है, पाइसिस आ गया, अप्रैल का पूरा पाइसिस है। और 1952 का क्या हिसाब किताब है वो भी तो चेक करना होगा ना हाँ हमें। वो भी देखना पड़ेगा सर, 52 में देखिए मार्च में क्या है जुपिटर। एरीज में है, एरीज 52 मतलब में पाइसिस, तो एरियज हम कंसिडर करेंगे? नहीं सर, मार्स नहीं है हमारे पास। नहीं सर, एरीज नहीं सर, मार्स नहीं है ना हमारे पास? नहीं सर, एक नहीं बार सर, मार्च देखना, मार्च नहीं मार्स देखने का मतलब ही नहीं है ना, क्यों देख? मार्च सर, मार्च 3rd मंथ। अरे भाई ठीक है, सॉरी अरे वो हो सकता है ना कि इससे पहले वाले में हो सर। सर देखो ये पाइसिस में है ना, ठीक है, पाइसीज में है। हाँ तो जुपिटर तो है ना हमारा लॉर्ड आरपी। सर एक बार होली देखना 51 52 में, मैं देखूं क्या? देखिए, एक मिनट देखती हूँ। होली डिटरमिन कर ले फिर आसानी होगी सर। वही है, वही वही है, देखिए होली मैं देखा हुआ है, अब मैं जी हाँ वापस उस पे जा रहा हूँ, ठीक है? मैं नोट्स में मैंने लिखा जी हुआ, हाँ दैट विल सर, मैं सेव एक मिनट टाइम, देख के बता रही हूँ सर। दैट विल सेव 51
दैट विल सेव टाइम. ओके सर 1951 में 23 मार्च को थी और 52 में 12 मार्च को। होली कब है? होली कब है, गब्बर सिंह पूछ रहे चलिए हैं। आप पढ़ते हैं, देखिए आपको पंद्रह का हैंग ऑफ द थिंग मिल गया है. ठीक है, टू एस्टेब्लिश द ईयर ओवर वी हैव टू सी. तो हमने देख लिया 1951 आइडेंटिफाइड दैट जुपिटर एंटर्ड पाइसीज ऑन 14/3/1951 विड स्टे देयर टिल 31/3/1952. ओके, ये जुपिटर का स्टे है. नाउ लेट अस चेक आउट पाइसीज एज अ राशि टू सी हाउ मेनी आरपीज इट कंटेन्स. राशि लॉर्ड जुपिटर, स्टार लॉर्ड जुपिटर, सैटर्न मरकरी. पाइसीज में जुपिटर, जी सैटर्न, मरकरी स्टार लॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, आउट ऑफ दीज जुपिटर एंड मरकरी आर कॉमन विथ आवर आरपीज. ओके, नाउ इफ गोइंग बैक 1 ईयर जुपिटर वुड हैव बीन एन एक्वेरियस, दिस एक्वेरियस हैज राशि लॉर्ड एज सैटर्न. 50-51 ही होगा सर. राशि लॉर्ड एज स्टार लॉर्ड सैटर्न, मार्स, राहु, जुपिटर. आउट ऑफ दीज Only Jupiter appears as an RP, whereas Pisces we get both Jupiter and Mercury as RPs. Jupiter, which, okay, as Pisces we get both Jupiter and Mercury as RPs. So it was decided that 1951 was the year of birth. ठीक है, सर ये क्लियर हो गया? ये सर पाइसिस से मरकरी कैसे बोल रहे हैं 52 में क्यों नहीं आएगा हाँ, सर, समझ नहीं आया सर 52 क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। हाँ 50-51 रहा होगा. हम वापस जा रहे हैं ना, वो हमारे मिस्टेक है टाइपिंग. कुछ गड़बड़ है। नहीं हाँ नहीं गड़बड़ टाइपिंग में है. पहले ऊपर 50-51 लिखा था ना, तो हम अच्छा अच्छा एक्वेरियस में इसलिए वापस गए थे ना. पहले हमने देखा सैटर्न इज नॉट अ रूलिंग प्लैनेट ना, देखा हमने. तो ये ओके 51 हमने ले लिया, ये आ गया 1951 वॉज द ईयर ऑफ बर्थ, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया. ठीक है, तो 1951 हमें मिल गया, 1951 हमें मिल गया टू एस्टैब्लिश द मंथ ऑफ बर्थ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मंथ के लिए हमको क्या करना होता है बताइए. हाँ नहीं सर, पहले तो 1951-52 में ही मुझे सर क्लियर नहीं हुआ. 1952 क्यों नहीं लिया सर? अच्छा 52 नहीं है, 50-51 था, वो मेरी मिस्टेक है. 50-51 ऊपर जो हमने हेडिंग में लिया था ना, जी 50 और 51, इट वाज 50 और 51. ठीक है, ओके इट वुड स्टे इन 31/3/1952. हमें 50-51 में डिसाइड करना है. ठीक है, अच्छा। और मैंने 50 का वो एपी तो फेरेड, वो तो हाँ 51 ही वो बनता है. पाइसीज, हाँ हमें वो 52 देखना ही नहीं है. इट इज हाँ बिटवीन जी 50 एंड हाँ 51. ठीक है, 50 का मैंने देख लिया है और जुपिटर एक्वेरियस में था हाँ, मार्च तो में, वो तो तो रिजेक्ट हो नहीं गया. हो सकता, हो रिजेक्ट हो गया। हाँ ठीक है एक्वेरियस फिर रिजेक्ट हो गया बिकॉज सैटर्न हमारा रूलिंग प्लैनेट नहीं है. एक्वेरियस जी में हाँ, था, वो सही हो गया सर। 1951 हमारा डिसाइड हो गया एज द ईयर इट इज एस्टेब्लिश्ड. ओके, अब हमें जी क्या सर करना है? अब हमें मंथ एस्टेब्लिश, आप लोग बताइए. अब मंथ सन 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 से पता चलेगा मंथ. सन नहीं से सर, पता सर चले. एक मिनट, पहले हाँ तो ये देखना है ना सर, 15 दिन होली के बाद बोल रहे हैं राइट, तो उससे मंथ आ जाएगा ना बिल्कुल हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है. इसका 51। तरीका, इसका तरीका क्या है? फिर हम एफिमेरिस खोलते हैं. ये आप लोग के सामने आ रहा है कि फिर से हमें शेयर करना होगा जी आ रहा है, एफिमेरिस? आ ओके, रहा है, आ रहा है सर, सामने ही है, आ गया ना एफिमेरिस. अब देखिए सामने ही है सर। सन कैसे नहीं होगा? होगा, सन तो हर महीने में आता है ना. नहीं सामने है बोल रहे हैं सर, सामने है। अच्छा ठीक है, दीति जी 50-51 में कब थी होली की स्टेट को? 23 मार्च, तो उसमें 15 ऐड करें तो हमारा अप्रैल हो जाएगा ना फिर, 8, 7, 8 तारीख अप्रैल की। चलिए तो हम अप्रैल कर दें. अप्रैल जी कर अप्रैल लिया करें सर। अच्छा. अब सपोज सपोज कहिए, सपोज कीजिए कि हमें ये नहीं पता होता, होली वाली कहानी फिर नहीं पता होती, तो फिर हमें क्या करना होता? अगर होली वाली, ये तो हमें एक क्लू मिल गया कि होली के 15 दिन के बाद उनका जन्म है. ठीक है, तो सन देखते सन की मूवमेंट हैं किस राशि में है। हाँ जी फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, सन उस साल दो राशियों में रहा हो करेक्ट जो कि हमारे रूलिंग प्लैनेट्स को दिखा रहे हैं, ये संभावना है ना. करेक्ट तो देखिए, खैर इसको मैं अप्रैल कर देता हूँ. आप लोग सही, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं.
ये हमने अप्रैल कर दिया, लेकिन हमने नोट्स लिखा है, देखिए नोट्स में 51 कीजिए सर, हमने 52 कर रखा है, 51 पे जाइए, 51, 52 अच्छा कर देते हैं, अभी जी। कर देते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, टू एस्टैब्लिश दी मंथ ऑफ बर्थ वी हैव टू नाउ फाइंड आउट इन विच मंथ इन 1951 सन वुड बी ट्रांजिटिंग द सेंसिटिव पॉइंट्स और द रूलिंग प्लैनेट्स एज आइडेंटिफाइड बाय अस। सन इन द एफिमेरिस वाज फाउंड टू बी इन पाइसीज, ओके, दैट इज जुपिटर मर्करी ऑन 6/4/1951। सो द मंथ ऑफ बर्थ वाज आइडेंटिफाइड एज अप्रैल 1951। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए मैंने क्या लिखा है। प्लीज नोट दैट सन वुड हैव बीन इन जेमिनी इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड जेमिनी ऑल्सो गिव्स अस जुपिटर एंड मर्करी, करेक्ट, ठीक है, विच आर बोथ आरपीज, बट द बर्थ एज स्टेटेड बाय द मदर हैड टेकन प्लेस अबाउट 2 weeks after Holi festival. Holi in 1951 was celebrated on 21st March. So हेलो, our previous identification of sun in Pisces in April appears to be more probable. एक्यूरेट, ठीक है, यस, ओके, चलिए। Now to establish, ये तो हो गया क्लियर। यस सर, We have जी सर, established. We have established the year and now we have also established the month. Month हमने establish कर लिया, ठीक है? Now next हमें क्या करना है? Month के बाद क्या establish करना है? डेट, Date. To establish the date of birth, we have to now establish the position of the moon in April 1951 when it would be transiting the sensitive points. अब हमें मंथ मिल गया, ठीक है, वी आर डाउन टू 1 month, जी एक हमें विंडो हमारी 1 month की हो गई। फ्रॉम एवरीथिंग अननोन वी हैव यू नो रिड्यूस द विंडो, ब्रॉट डाउन द विंडो टू 1 month। फ्रॉम द एफेमेरिस फॉर अप्रैल 1951, मून वाज फाउंड टू बी ट्रांजिटिंग द सेंसिटिव पॉइंट्स दैट इज इन पाइसीज, जुपिटर मर्करी वीनस बिटवीन 9:56 AM, अब मैं एफिमेरिस में नहीं जा रहा हूं, बिटवीन 9:56 AM अप टू 14:07 PM। अप्रैल का एफिमेरिस खोल लीजिए आप और मून की ट्रैकिंग को देखिए, ठीक है। नाइन अप पाइसीज में जुपिटर मर्करी वीनस, पाइसीज मतलब जुपिटर इज दी राशि लॉर्ड, मर्करी स्टार लॉर्ड, वीनस सब लॉर्ड, बिटवीन 9:56 AM, ये हमने रूलिंग प्लैनेट से उठाया है ये तीनों, ठीक है, बिटवीन 9:56 AM एंड अप टू 14:07 PM ऑन 6/4/1951। तो ये हमें अब विंडो क्या मिल गई, बिटवीन 9:56 AM अप टू 9 बज के, सुबह दस बज के लेकर के 14:00:57 PM ऑन 6/4/1951। ओके, दिस गेव मी अ टाइम विंडो ऑफ अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे पे अब हम आ गए, डेट हमारी एस्टेब्लिश हो गई 6/4/1951। स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट्स जिसको कि मून ट्रांजिट कर रहा था, दैट वाज ऑन 6/4/1951। विच इज जुपिटर ना सर, हाँ, सर किसको मून कर रहा था, पाइसिस, पाइसिस, पाइसीज, पाइसीज में, पाइसिस, पाइसिस में, पाइसिस पाइसीज में, में, पाइसीज में, पाइसीज का लॉर्ड जुपिटर है ना, तो रूलिंग प्लैनेट तो जुपिटर लिखेंगे ना, हाँ जुपिटर मर्करी वीनस तो बिटवीन नाइन वीनस भी फिफ्टी हमें चाहिए, वीनस भी हमारा है जी, हाँ है ना, वीनस ये आ गया ना, जुपिटर वीनस मर्करी है हमारा। वीनस हमने नाइन हाँ हाँ फिफ्टी सिक्स ए एम टू 14:07 PM ऑन हाँ 6/4/1951। ठीक है, ये हमें अप्रैल में जो हमने डेट जो हमने विंडो सेलेक्ट की है अप्रैल में, उसमें हमें उस महीने में मून का ट्रांजिट स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू आरपीज वाज ऑन 6/4/1951, दैट इज मून वाज इन पाइसीज। अभी खोल लेते हैं, ठीक है, सबके तसल्ली के लिए, मून वाज इन पाइसीज, जुपिटर मर्करी वीनस बिटवीन 9:56,
एम एंड 14:07 PM ऑन 6/4/1951। तो हमें डेट भी मिल जाती है 6/4/1951। दिस गेव मी अ विंडो ऑफ अबाउट 4 आवर्स विद इन विच द लग्ना एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ हैड टू बी फिक्स्ड अप एंड अ चार्ट इरेक्टेड फॉर द एस्टैब्लिश टाइम। अब हमें 6/4/1951 डेट मिल गई और उस दिन सुबह 9:56 से 9:56 AM से लेकर के 2:07 दोपहर तक हमें उसके बीच में हमें टाइम फिक्स करने के लिए किसकी मूवमेंट क्या देखना पड़ेगा, हमें असेंडेंट असेंडेंट का मूवमेंट हमें देखना पड़ेगा कि इस 4 घंटे में असेंडेंट कौन कौन सी लग्न उदय हुई, राइज विच वर द राइजिंग असेंडेंट्स बिटवीन दिस 4 आवर्स, इस 4 घंटे के दौरान कौन कौन सी लग्न उदय हुई, उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशंस हमें लग्न के मिलेंगे। अच्छा, एवरी टाइम द आरपीज गेट रिन्यूड, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो अब देखिए आप, नाउ टू फाइंड आउट मोमेंट व्हेन व्हेन एंड व्हिच लग्ना कॉमन विद द आरपीज वुड बी ट्रांजिटिंग सेंसिटिव पॉइंट्स, वी हैव टू गो टू द लग्ना चेंजिंग फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड एस्टैब्लिश द सेम बाय आइडेंटिफाइंग द टाइम व्हेन लग्ना वुड बी एट द सेंसिटिव पॉइंट्स आरपीज फ्रॉम 9:56 AM। द लग्ना वॉज जेमिनी, द लग्ना वॉज जेमिनी एंड इन दिस मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट वॉज फाउंड एज जेमिनी मर्करी जुपिटर वीनस मून। दे आर दे और रूलिंग प्लैनेट्स, आप लोग देख लीजिए यस सारे हैं। सर, ये इन ऑर्डर ऑफ मून स्ट्रेंथ चूज मून किया जाता है विच द लग्ना ट्रांजिटेड ऑन 11/27/34 समथिंग, दिस वाज टेकन एज द बर्थ टाइम। प्लीज नोट दैट वी हैव यूज्ड वीनस एज रिजर्व आरपी एज मर्करी एंड जुपिटर हैव रिपीटेड ट्वाइस। ओके, ओके दैट इज व्हाई वीनस वी हैव यूज्ड एज रिजर्व आरपी। सर, एक बार अपनी पेरिस में जाके देख सकते हैं क्या सर? डेट तो 5th अप्रैल से स्टार्ट हो रही है मून पाइसिस में, तो हमने 6th क्यों लिया है? कब सही, से आप स्टार्ट हो रही है? 5th अप्रैल से सर स्टार्ट हो रही है पाइसिस में, मून जो है पाइसिस में 5th अप्रैल को ही जा रहा है, लेकिन हमने 6th कैसे लिया सर? अब देखना होगा, आप पता नहीं कौन सा एफेमेरिस 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 में फर्क थोड़ा हो जाता है। नहीं सर, आप यहाँ एक बार करिए ना, 1951 पे जाइए। मैं देखता हूँ, 1 मिनट। सर 5th को जा रहे हैं सर मून पाइसिस में। मून पाइसीज को 5th में जा रहा है, ठीक है, तो पाइसीज में कब से कम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में कब से कब रहा, वो अच्छा देखना होगा ना हमें। मून सर, पाइसीज में जा रहा है तो 6 तारीख को भी तो मून पाइसीज में ही है ना, हाँ हाँ तो जी वो सर, पॉइंट्स हमने देख करके निकाला होगा इसमें से। ठीक है, इससे मैच किया सर ये पॉइंट्स डिग्री। वो अब हम देखना पड़ेगा, आप लोग कर लीजिएगा उसको, देखिए फिर। अब हम जाए मूविंग लग्ना फीचर से भी आप जा करके देख सकते हैं। आप देखिए पाइसीज में मून कब, ये टाइमिंग होती है इसकी, ये मिडनाइट की टाइमिंग्स है। ठीक है, 5 तारीख मिडनाइट से लेकर के आप पाइसीज में मून कब तक रहा, पाइसीज में मून रहा 6 को पूरा रहा, 7 को भी पूरा रहा। ठीक है, 6 को भी रहा, 7 को भी रहा। ठीक है, तो पाइसीज में हमें स्ट्रॉन्गेस्ट जहां रूलिंग पॉइंट्स जिस टाइम मिले, ठीक है, उस वो टाइम हमने पिक आउट किया है, तो वो इसमें नहीं मिलेगा। कैलकुलेट करना हो या तो फिर वो लग्ना फीचर में आप उसमें जा करके उसी से हमने किया होगा जो, अच्छा, हाँ वो है ना, उसी से फिर हमने किया होगा ये। हाँ वो इसमें है, हाँ, सॉफ्टवेयर भी है, वो सॉफ्टवेयर में है, आप कर उससे आप सकते हैं फिर ट्रैक आराम कर से। लेंगे, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से हमने आई अराइव्ड एट दी
टाइम ऑफ ये देखिए 11:20। देखिए ये आपके पास अब नोट्स है, प्रैक्टिस तो आपने खुद करना है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस। आई हैव जी टोल्ड सर, द मेथड द प्रोसेस एंड द टेक्निक, ओके। प्रैक्टिस आपको खुद करना है। 11:27:34:061 टाइम मिला था। वो पुराने वाले सॉफ्टवेयर में ये 4 डिग्री 4 एज तक जाता था, पुराने वाला अब 2 एस्ट्रोलॉजी में, अभी खाली 3 तक लिमिट कर दिया है। तो ये आज जो हमने इनका बनाया फिर से, ये तो पुराना मेरे नोट्स हैं जो मैंने इनका वो बनाया है। ये देखिए ये हमें ये मिल करके आ गया, हमें ये चार्ट इनका जो हमने अराइव जो किया चार्ट। अब आप इसका जेनेटिक पहले मून और वो देखिए, जुपिटर मरकरी वीनस मून एंड असेंडेंट को देखिए, मून के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ऊपर पढ़िए। मून है सर, जुपिटर मरकरी वीनस, जुपिटर मरकरी वीनस असेंडेंट के कोऑर्डिनेट्स पढ़िए, मरकरी जुपिटर वीनस, मिल गया। यस सर, बिल्कुल फर्स्ट के मिल गया, कोऑर्डिनेट्स पढ़िए, मरकरी जुपिटर जुपिटर वीनस, मरकरी मून। नाइन्थ के कोऑर्डिनेट्स सैटर्न राहु वीनस, वीनस मिल रहा है ठीक है, दोनों सब लॉर्ड्स हाँ जी, हैं। ये हैं इवेंट्स ठीक है, ये हैं इवेंट्स, आप लोग इवेंट्स को मैच कर लीजिएगा, ये आप लोग इवेंट्स को मैच कर लीजिएगा ठीक है। तो दिस इज हाउ अ बीटीआर इज डन व्हेन ठीक सिर्फ अगर प्लेस ऑफ बर्थ भी पता है एंड अप्रोक्सीमेट ईयर नहीं भी पता है। अप्रोक्सीमेट मतलब उसको तो पता होगा ना भाई हमारी क्या उम्र हो रही है, 50 60 हो रही है, 50 साल हो रही है, 60 साल हो रही है, तो कुछ तो वो बताएगा ना, 4 5 साल का भी वो आपको जो है, हो सकता है कि 4 5 साल का भी एक वो मार्जिन आपको दे दें, भाई मेरी बर्थ पता नहीं 50 से लेके 54 तक में हुई होगी। तो वो आपको जुपिटर से एस्टेब्लिश करना है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली देखिए रूलिंग प्लैनेट्स कहाँ तक हेल्प करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एक और तरीका क्या है, सब लॉर्ड्स को ट्वीक करके तरीका दूसरा एक होता है वो करने का। रूलिंग प्लैनेट्स आपको ला करके यहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद आपको इवेंट्स मैच करने हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के रूल से। कई बार क्या होता है कि आपको मिल तो गया लेकिन कुछ इवेंट्स आप देख रहे हैं कि मैच नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2 4 मिनट करके किसी सब लॉर्ड को चेंज करके मैरिज सपोज दिखा रहा है, मैरिज मैरिज नहीं दिखा रहा हो, मैरिज हो गई है, तो 7th हाउस के सब लॉर्ड को ट्वीक कीजिए, उसके ऊपर वाला जो 7th हाउस सब लॉर्ड है उसके ऊपर वाले सब लॉर्ड को देखिए टाइम को चेंज करके, या नीचे वाले को सब लॉर्ड को देखिए, देखिए कौन सा सब लॉर्ड मैरिज अलाउ कर रहा है, देन गो टू दैट, फिर दशा से मैच कीजिए मैरिज कब हुई। अगर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट मैरिज है, मैरिज या डिनाइल ऑफ मैरिज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इज प्रोजेनी, प्रोजेनी बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे, नहीं हुए हैं तो आपको ऐसा सब लॉर्ड चाहिए जो कि 2511 को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, या फिर बैरन साइन से उसके ताल्लुकात हैं अच्छे खासे। तो ये भी एक तरीका है, ये वाला क्लियर है कि नहीं है आप लोग बताइए मुझे। अब हैव यू गॉट दी जिस्ट, मतलब हैंग ऑफ बीटीआर, अब आप लोग बीटीआर कर सकते हैं ना, यही है, बिल्कुल सर, यही तरीका श्योर श्योर, बीटीआर का है। हाँ और भी तरीके हैं हाँ जो कि सारे इवेंट्स मैच कर रहे, एक आध नहीं कर रहा, तो सिर्फ सब लॉर्ड के बेसिस पे 2 4 मिनट का फर्क होगा तो हाँ आप कर सकते हैं। एक है एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा, एक बीटीआर वो भी मैं दिखा दूंगा आपको ठीक है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। शुभम जी आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? यस सर, अच्छा, उस दिन देखिए आपने एक सवाल किया था, उस दिन रात का 11 बज गया था, मेरा मैं भी बहुत थक सा गया था, हाँ तो जी सर, आप वो पूछ रहे थे, मैं देखिए इसको 1 मिनट स्टॉप शेयर करें फर्स्ट। आप पूछ रहे थे ना कि वो ट्रैकिंग में आपने वहां से क्यों शुरू किया था, वो आपने बाद में मैंने उस पर नोट्स डाला था, आपने समझ गए थे आप लोग के नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो आपने बताया था उसमें कि वो उन्होंने 3 4 दिन का बताया था, हाँ, तो दिन के वो बाद उसमें सर वापस जाने की जरूरत है या छोड़ दूं फिर उसको? छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। हाँ टाइम वेस्ट होगा ठीक है, चलिए तो जी, वी विल टेक अ मनादर एग्जांपल देन।
आप लोग सभी लोग बताइए, आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? स्टेप्स वगैरह तो क्लियर है सर, नहीं तो देखिए, बाकी तो आप प्रैक्टिस, लोग भाई खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी तो प्रैक्टिस है सर, बाकी तो, बाकी तो आप और तो लोगों कोई को चीज़ नहीं बची प्रैक्टिस बीच में। करना पड़ेगा। वो हाँ तो मैं उसमें, जी हाँ अब आपको मैं हर तरह के सिचुएशन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, हर तरह का, हर तरह का सिचुएशन का मैंने एग्जाम्पल ठीक हो आपको, गया, बिल्कुल ठीक हो गया ठीक है ना? जी हाँ। देखिए, ये एक डीटीआर है जो कि आज ही किया है मैंने, टुडे इटसेल्फ आई हैव डन इट, ठीक है? आज ही मैंने किया है। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द नेटिव, मुझे क्या क्या बताया गया, डेट 25/4/1956, बट नॉट श्योर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे बी करेक्ट मे बी इनकरेक्ट, बर्थ अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम नॉट नोन, मदर ने बताया बर्थ वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम का कुछ पता नहीं है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि शायद डेट ठीक है, टाइम ही सेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं फिर उसको वो कर लेता हूँ, मैं ईयर भी कंफर्म कर लेता हूँ। हालांकि अगर नेटिव बोल रहा है कि ईयर ठीक है और डेट भी ठीक है, तो बाई एंड लार्ज यू शुड लिसन टू हिम, बट इफ ही इज एक्सप्रेसिंग दिस काइंड ऑफ डाउट कि भाई पता नहीं, हो सकता है कि ठीक भी हो सकता है गलत भी हो, तो इसमें अपने आप मेरे दिमाग को वो कर लेने के लिए, तसल्ली कर लेने के लिए हमें कर लेना चाहिए, ईयर भी वो कर लेना चाहिए और मंथ भी कर लेना चाहिए। मंथ, ईयर और मंथ भी हमारा जो है, जो बता रहे हैं वो हमें वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, प्लानिटरी मूवमेंट्स और आरपी। पहले आप लोग ये आरपी नोट कर लीजिए एक कागज पे, असेंडेंट स्टार लॉर्ड मरकरी है, ऊपर ऊपर देखिए यहाँ, या जब मैंने किया सुबह 11:57 ऑन 8/9/24 एट रांची, तो असेंडेंट स्टार लॉर्ड वाज मरकरी, सर हमें समझ नहीं आ रही, असेंडेंट राशि लॉर्ड मरकरी, असेंडेंट क्या आप सब स्क्रीन लॉर्ड, शेयर कर रहे हैं क्या? क्या हाँ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं आया क्या? नहीं नहीं सर, ओहो अच्छा, 1 मिनट, और आपकी सुंदर शक्ल दिख रही है ना सर। नहीं वो बीच वाला शब्द हटा दीजिए, वो वाला शब्द, वो वाला शब्द हटा दीजिए, वो नहीं दिख रही। वाला शब्द हटा दीजिए खाली। अच्छा सॉरी सॉरी, स्क्रीन नहीं आ रही थी। हाँ कहाँ चला गया? अभी आ रही है स्क्रीन? यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर देखिए हमारे नोट्स में ये रूलिंग प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए, असेंडेंट स्टार लॉर्ड मरकरी, आज ही किया मैंने, असेंडेंट राशि लॉर्ड मरकरी, असेंडेंट सब लॉर्ड मार्स, मून स्टार लॉर्ड राहु, मून राशि लॉर्ड वीनस, मून सब लॉर्ड मून, और डे लॉर्ड सन, ठीक है? ये सब लॉर्ड्स जो होते हैं, असेंडेंट सब लॉर्ड और मून सब लॉर्ड, ये रिजर्व वो होते हैं, आरपीज होते हैं। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द नेटिव, डेट 25, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा पहले बोला कि हो भी सकता है नहीं भी हो, पहले बोला कि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, अर्ली मॉर्निंग मदर ने बताया था, फिर बोला कि हो भी सकता है ये डेट भी करेक्ट हो, टाइम स्टेब्लिश करना है, पहले ईयर के बारे भी अनश्योर थे, तो इन सच केसेस बेटर, यू नो बेटर कि हम इसको वो कर लें। सो चेक, स्टेप वन है चेक जुपिटर फॉर ईयर, ओके,
या आप लोग ऐसा कीजिए ना, इसकी फोटो खींच लीजिए, ये मेरा जो है ना जी सर। ये नोट्स, फिर हम चलेंगे उस पर, ट्रैकिंग में चलेंगे। इसकी फोटो खींच लीजिए, अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, दो फोटो खींचनी होगी, फिर पढ़ लूंगा, तो फिर आप लोगों को जब हम वो करेंगे तो आसानी होगी, ट्रैकिंग जब करेंगे। फोटो खींच लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। चेक जुपिटर फॉर ईयर, ठीक है, तो मैंने लिखा है जुपिटर एंटर्ड लियो इन मे 1956, ठीक है, सन इज वन ऑफ द आरपीज, सो ईयर इज कंफर्म्ड। 1956 में जुपिटर लियो में प्रवेश कर गया, तो ईयर हमने कंफर्म कर दिया, तो एज सन इज वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट्स, ठीक है, और सॉरी जुपिटर, जुपिटर प्रवेश कर गया लियो में, लियो का लॉर्ड सन है, सन इज वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट्स, तो हमने ईयर को कंफर्म कर दिया एज 1956 एज पर हिम बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ 1956। नाउ चेक सन फॉर मंथ, सन इन पाइसीज इन अप्रैल 1956, राहु है, राहु है ना रूलिंग प्लैनेट, राहु रूलिंग प्लैनेट है ना, यस सर, जी सर बिल्कुल राहु है, तो कोई ओन बिल्कुल नहीं है करता है, ठीक है, राहु जी। ओन नहीं करता है, तो राहु, राहु अभी जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो सन इन पाइसिस इन अप्रैल 19, राहु ब्रैकेट में जुपिटर है, इज वन ऑफ द आरपी, सो मंथ ऑफ अप्रैल इज कंफर्म्ड, मंथ ऑफ अप्रैल इज कंफर्म्ड, ठीक हो गया। चेक मून फॉर डेट, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको, फिर चलेंगे हम लोग, आप लोग फोटो खींच लीजिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी इज मरकरी, स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी इज मरकरी, मून इन जेमिनी ऑन, मून की मूवमेंट्स हमने ट्रैक की आरपी को मद्देनजर रखते हुए। चेक फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी इज मरकरी, मून इन जेमिनी ऑन 16-17 अप्रैल, मून अगेन इन वर्गो ऑन 23-24 अप्रैल, ओके, अगेन इन लिब्रा ऑन 25-4-1976 अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, वीनस इज ऑल्सो अ रूलिंग प्लैनेट, अर्ली इन द मॉर्निंग ध्यान रखना हमें, सो 25-4-1956 अर्ली मॉर्निंग वुड हैव टेकन प्लेस बर्थ। इसको क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 25 तारीख की हमें डेट दी है, और 25 को अर्ली मॉर्निंग मून जो है वो लिब्रा में है, जिसका कि लॉर्ड वीनस है, तो हम सेफली हम कह सकते हैं कि डेट जो है वो हमें 25/4-1956 अर्ली मॉर्निंग की मिल गई, 25/4-1956, नाउ डेट वेट सब कंफर्म हो गया। अर्ली मॉर्निंग कितने बजे से कितने बजे हो सकता है, 4-5 बजे से 6-7, 6-6:30, यही हो जी सकता है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग अगर कोई बोलता है तो। फिर ट्रैक असेंडेंट फॉर अर्ली मॉर्निंग फॉर टाइम ऑफ बर्थ एज पर आरपीज, एरीज वीनस, एरीज यानी कि मार्स, ठीक है, मार्स वीनस असेंडेंट की मूवमेंट है ये, ठीक है, एरीज वीनस फ्रॉम 5:39 AM टू 6:20 AM वुड राइज, 5:39 AM टू 6:20 AM ये एरीज लग्न में वीनस नक्षत्र, ठीक है, दोनों रूलिंग प्लैनेट्स हमारे हैं, फ्रॉम 5:39 AM टू 6:20, मार्स एंड वीनस आर टू स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट्स, आरपी इज फाउंड इन दिस असेंडेंट, टू स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी इज फाउंड इन दिस असेंडेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर हमने बनाया एरियस वीनस मर्करी जुपिटर एट 6:16:28 AM फिक्स एज टाइम टू बी मैच्ड विद इवेंट्स, एंड ये टाइम ऑफ बर्थ हमने फिक्स किया 6:16:28 AM फिक्स एज टाइम टू बी मैच्ड विद इवेंट्स एंड कस्पल सबलॉर्ड्स टू बी ट्वीक्ड इफ नीडेड। टाइम ऑफ बर्थ हमने एस्टेब्लिश कर लिया 6:16:28 सेकेंड, ठीक है, ये हमने इस हिसाब से ये बना दिया एक चार्ट। अब हमें इवेंट्स को मैच करना है, जो हमें इवेंट्स
जो बताया गया, देखिए, एज पर आरपीज एरीज वीनस फ्रॉम, हाँ हो गया ये एरीज, टाइम्स 6:16:28 एएम फिक्स एज टाइम, वो ट्रैकिंग करेंगे तो यही टाइम आएगा इस कॉम्बिनेशन का जो मैंने ऊपर आपको दिया है, एरीज वीनस मार्स जुपिटर। एरीज लग्न हो गया, ठीक है, मार्स जिसका स्वामी है, वीनस नक्षत्र लॉर्ड हो गया, ये मरकरी सब लॉर्ड हो गया, और जुपिटर आपका सब सब लॉर्ड हो गया। टू बी मैश्ड विद इवेंट्स एंड कस्पल सब लॉर्ड्स टू बी ट्वीक्ड इफ नीडेड, टाइम ट्वीक टू 6:11:28 टू चेंज 7th कस्पल सब लॉर्ड टू सैटर्न फॉर गिविंग द इवेंट ऑफ मैरिज। 5 मिनट हमें जो है 7th सब लॉर्ड को ट्वीक करना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज मेन इवेंट जो है, बहुत सारे बहुत कम ही इवेंट्स इन्होंने बताया मेन इवेंट को मैच करने के लिए, क्योंकि जो हमने टाइम सेट किया है, इससे मरकरी सब लॉर्ड हो रहा था, जो कि शादी को दिखाई नहीं रहा था, इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। अभी उस पर हम आते हैं, द टाइम ट्वीक 6:11:28, ठीक है, मैरिज इवेंट्स, इवेंट्स जो इन्होंने दिया है, मैरिज 20/10/1985, सन की बर्थ 9/5/1989, डॉटर की बर्थ 11/7/1986, डेथ ऑफ फादर 6/3/2005, डेथ ऑफ मदर 6/7/2009, ठीक है। ये सारे इवेंट्स यहाँ हमने नीचे मैच करके डेट के हिसाब से, दशा कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, हाउसेस को मैच करके हमने यहाँ पर एक एक इवेंट, इसमें एक इवेंट थोड़ा सा नहीं मैच कर रहा है, वो है डॉटर की बर्थ, वो भी करीब करीब। इसमें क्या होता है ना, सन और डॉटर की बर्थ में इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक दी हॉरोस्कोप ऑफ दी वाइफ, ठीक है, ये मेल हॉरोस्कोप है। तो एनीवे, तब भी एक को खुद करीब मिल रहा है, फादर्स डेथ पूरा मिल रहा है, मैरिज पूरी मिल रही है, सन्स बर्थ पूरा मिल रहा है, फादर्स डेथ 100% मिल रहा है, मदर्स डेथ 100% मिल रही है, जेनेटिक कनेक्शंस मिल रहे हैं, मून एंड असेंडेंट कनेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाता हूं मैं, ये सामने जो है ना, ये चार्ट खुला हुआ है, ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जो कि 6:16:28 का से हमने वो बनाया, जो हमें टाइम ओरिजिनल मिला था। अब इसमें अब आप बताओ, देख करके, 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मरकरी मरकरी साहब, मरकरी मैरिज सचिन दे रहा है, इज मरकरी गिविंग मैरिज? मरकरी मरकरी सन के नक्षत्र में बैठे हैं सर। नहीं, मैरिज दे रहा है कि नहीं, अब आप लोग ये देखिए ना, अब तो सर नहीं दे रहे सर, मरकरी तो कहीं से भी किसी कोने से शादी नहीं दे रहा है, नहीं 2 को सिग्निफाई कर रहे हैं, ना 7 को ना 11 को। ना 11 को, ठीक है। अच्छा तो अब मरकरी 7th हाउस सब लॉर्ड है, मरकरी के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे कौन सा प्लेनेट की विषुवत्री दशा आती है? मरकरी के ऊपर कौन सा सब लॉर्ड हो सकता है, पहले या बाद में कौन सा हो सकता है? पहले सर पहले सैटर्न होता ना सर, सैटर्न हो सकता है। अब आप लोग देखिए कि सैटर्न शादी दे रहा है क्या? सैटर्न। हाँ सर सैटर्न सिग्निफाई कर रहा है 7 को। 7 को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको जरा सा ट्वीक करते हैं मरकरी को, तो हमें शादी मिल जाती है, और उसके फिर हम डेट्स मैच करेंगे, डेट्स को हम मैच करेंगे। आप लोग इसकी फोटो खींच लीजिए, क्योंकि ये अभी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। खींच ली फोटो ना? यस सर, चलिए, अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, क्योंकि अब हमें इसका टाइम, इस यहाँ पे हमको सब लॉर्ड लाना है सैटर्न, तो हम थोड़ा सा टाइम को ऊपर नीचे करेंगे, इसको हम क्लोज कर रहे हैं, नहीं तो ये करने नहीं देगा। देखिए, मैं टाइम को थोड़ा सा
6:16 से घटा रहा हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा। देखिएगा वो 7 सबलॉट पे ध्यान रखिए, और कहीं मत देखिए। 7 सबलॉट कब चेंज होगा मुझे बताइएगा। हो गया सर चेंज सर। हो गया चेंज ना, सेवन जी सबलॉट ठीक हो गया, सैटर्न आ गया। सैटर्न हो गया। अब सैटर्न देखिए, सैटर्न देखिए, सैटर्न के सिग्निफिकेशंस देखिए। सैटर्न शादी देने के काबिल है क्या? यस सर। ठीक है, शादी की डेट क्या नोट की हुई है? 20 अक्टूबर 1985। ठीक है, अब आप यहाँ पे चलिए चलिए एक एक करके अब हम इनके इवेंट्स को चेक करते हैं। 20th अक्टूबर कितना है? 20th अक्टूबर 1985।20th अक्टूबर मून मून की राह अंतरा में चलो यहाँ सर। पे ये ले लेते हैं, 21। ठीक हो गया। सैटर्न हाँ जी सर। कौन कौन सा घर दे रहा है हमें बताइए। 7, 11, 10। 7-11 काम का है या नहीं शादी के लिए? ठीक यस सर। यस सर बिल्कुल सर क्लियर है दिख सर। रहा है, मून क्या दे रहा है हमें? है। मून दे रहा है 7 दे रहा है सर। मून भी मून भी 7 दे रहा है, ठीक है। 6 भी और दे रहा है वैसे तो। दे ना वो छोड़ो ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, शादी होने दे रहा है कि नहीं, ठीक रहा है। है। अब हमें सेकंड हाउस के लिए क्या चाहिए? वीनस। वीनस आ गया यहाँ पे ना, हाँ आ गया जी हाँ। 20-10-1985, इनकी शादी 20-10-1985 की है, ठीक करेक्ट हो गया। ठीक है, एक इवेंट वेरीफाइड है। नेक्स्ट बिल्कुल इवेंट क्या है बताइए। सर। वो सन की बर्थ कब की है इनकी? 9 मई 1989। 1986 89 है सर सन की। 89 89 हाँ एटी जी नाइन्थ 9th मई 1989 एटी नाइन 2nd सर। 9th मई केतु केतु में सर। में पहले लिए है ना, 9th मई। चलो 9th मई, हाँ बस देखिए 9th मई 1989 में देखिए ये है कॉम्बिनेशन। सर बताइए क्या सेट सन सन के बर्थ के लिए क्या क्या चाहिए? सर 5 चाहिए ना। 5, 11। देखो ना, सर सैटर्न तो 11 सिग्निफाई कर ही रहा है। मरकरी 5 दे रहा है। मरकरी हाँ 5 दे रहा है। वीनस वीनस क्या दे रहा है? वैसे सेकंड दे रहा है सर। वो देखना वीनस सेकंड होता दे है, रहा है। हाँ ये मेल जी हॉरोस्कोप है, तो 11th हाउस का, 11th हाउस इज द फर्स्ट 5th हाउस ऑफ द वाइफ, ठीक है, हाँ जी ठीक है ना। तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, सेकंड चाइल्ड है इनका शायद, हाँ सेकंड चाइल्ड जी है, सेकंड चल रही दिखा रहा है जी ना सन चंद्रमा। जी 11th हाउस का सब लॉर्ड 7th हाउस दिखा रहा है ना चंद्रमा, दिखा रहा हाँ हूँ जी। तो ये आप, ये मतलब चाइल्ड बर्थ भी कंफर्म्ड है, सब लॉर्ड से भी वेरीफाई कीजिए, तो ये आ गया इनका, ये भी मैच कर जाता है, ठीक है। अब इनका डॉटर की बर्थ थोड़ा सा आउट है, हल्का सा, वो भी शायद वाइफ का अगर हॉरोस्कोप देखेंगे तो सही निकलेगा। डॉटर की बर्थ क्या है? 11th 7 8 6 11th जुलाई 1986। इलेवेंथ कितना है? जुलाई 1986। 86 11th जुलाई 86। 11th जुलाई 1980। उसके टाइम का भी पता है। 9 9 बजे का टाइम है रात का तकरीबन।
10 जुलाई सैटर्न सैटर्न राहु सैटर्न सैटर्न 10 जुलाई 1986। तो क्या है छब्बीस ये? जुलाई 10 जुलाई है ना, सॉरी। इलेवेंथ इसी में थोड़ा जुलाई सा इनका 87 सर क्या है, 86 है ना, यस सर दी 86 जुलाई 86, जुलाई 86 सैटर्न राहु सैटर्न 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 राहु राहु सैटर्न 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 राहु सैटर्न क्या क्या दे रहा है? सेवन इसमें तो सेवन थोड़ा आठ सा हाउस दे रहे हैं इनका सर। मैच नहीं करता है। राहु क्या है, राहु थोड़ा सा इनका, सैटर्न तो ठीक है, सैटर्न इज गिविंग 11, ठीक है। वीनस राहु क्या कर है, राहु, ये थोड़ा सा खाली दिस वॉज दी, तो ये शायद इनके वाइफ को हॉरोस्कोप देखने से आ जाएगा। अब आ जाइए आप, चलिए इनको, फादर की डेथ कब हुई? सिक्स मार्च क्या आप लोगों ने, टू थाउजेंड फाइव ये देखिए, इसको सिक्स नाइन्थ मार्च नाइन्थ हाँ हाउस जी से रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको नाइन्थ हाउस से रोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये नाइन्थ ठीक हाउस से चार्ट रोटेट हो गया। ओके, व्हाट इज द डेट ऑफ फादर्स डिमाइज? 6/3/2005। ओके, हाँ जी 6/3/2005। यो मन 2005 सर नीचे सबसे एंड में नीचे आएगा सेटल में आएगा सबसे नीचे। 2005 सर हाँ जी, 5 नॉट 3 ओहो,5 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ टू जी थाउजेंड ये इसका सबसे हाँ एंड में जी। सर मरकरी सैटर्न एंड में। अच्छा इससे भी आगे सर 5 हाँ ठीक है, मरकरी मरकरी सैटर्न। हाँ ये रहा ना से हाँ ये रहा बिल्कुल ठीक है ना, चलिए ये ले लीजिए, मरकरी मरकरी सर सैटर्न पकड़िए, पनकरी मरकरी 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 हाँ सैटर्न मून पकड़िए, ठीक है, यहां तक पकड़िए। इसमें देखिए देखिए, ये बाधक बताइए आप लोग, ये हॉरोस्कोप चेंज हो गया, नाइन्थ हाउस से रोटेट के, तो बाधक जी कौन सा घर होगा लग्न के हिसाब से? लग्न क्या हो गई है? सेजिटेरियस ना सैगिटेरियस क्या है? सेजिटेरियस का बाधक ग्रह कौन सा होता है एक मिनट बाधक हाँ, बाधक हाउस हाउस सॉरी हाँ कौन सा होगा? मुझे सेवेंथ हाउस, सेवन चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, सेवेंथ हाउस सेवन होगा, थाउजेंड हाँ ठीक है। सेवन तो थाउजेंड अब आप बाधक और मारक का कॉम्बिनेशन जरूरी है ऑपरेट करना, जबकि डिमाइज ओके होता है। मरकरी देखिए क्या दे रहा है, मरकरी की महादशा थी, मरकरी मरकरी देखिए क्या दे रहा है। चार दे रहे सर नहीं, सीधे सेवन बाधक दे और रहे उसको देखो ना, बाधक और मारक को देखिए, छोड़िए सर खत्म सेवन दे रहे सर मरकरी हो सेवन गया, टू और सेवन हाँ दोनों दे रहा है। सर टू कहाँ दे रहा मरकरी एक दे मिनट, रहे नहीं लेट मी सी, मैंने कहाँ से, नहीं नहीं दे रहा मैंने कहाँ से लिखा है नहीं। मरकरी राहु टू दे रहा है ना? राहु टू दे रहा हाँ, राहु टू दे रहा है, तो मरकरी इज इन दी सब ऑफ राहु, ठीक है। तो मरकरी, और मरकरी वैसे भी बाधक और वो दोनों है ना, इट इज बोथ बाधक एंड बाधक मारक एंड मार्क, दोनों बाधक एंड मार्क, तो मरकरी दोनों अकेले ही काम कर रही है, मरकरी ठीक है, अकेले ही मारक बाधक दोनों है। करेक्ट अब सर सैटर्न देखिए क्या दे रहा है, सैटर्न दे रहा है हाँ यहाँ देखिए ना, ऊपर टू टू दे रहा है मून दे रहा है और अनटेनेंटेड है, तो स्ट्रॉन्ग भी मून देता है, ठीक है। तो वैसे मरकरी तो अपने आप ही काम कर गया, तो 2 और 7 मरकरी ने खुद ही दे दिया।
तो ये डेट भी कंफर्म हो गई। अब इनके मदर का डिमाइस देखिए क्या डेट है, सर मून का सिग्निफिकेंस भी है सर, सिक्स। एट हाँ मून हाउस, का, हाँ मून का हमने लिख दिया था, मून मून एट का, हाउस दे रहा है ना, हाँ एट हाउस दे हाँ रहा है, हाँ मून का हमने लिख दिया परेशानी था। भी होती है ना, परेशानी भी देगा ना हाँ डेथ हाँ के साथ, ठीक है। और अब मदर पे तो आते हैं, 6 जुलाई फोर्थ हाउस से रोटेट कर देते हैं। जी, क्या है डेट? 6 जुलाई 2009। सिक्स हाँ जी, सिक्स 2009 जुलाई 2009। चलिए यहाँ आ जाइए, ठीक है। 6 जुलाई 2009, मरकरी, सन, जुपिटर, वीनस। अब आप लोग पहले तो बाधक हाउस मुझे बताइए, ये जो लग्न बनी है फोर्थ हाउस से चार्ट रोटेट करने के बाद, बताइए। हाँ कैंसर असेंडेंट है ना सर, देखिए कैंसर असेंडेंट का क्या होगा, 11th हाउस है सर बाधक, 11th हाउस हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये कॉम्बिनेशंस के मुझे सिग्निफिकेशंस बताइए, मरकरी क्या दे रहा है। मरकरी 11th हाउस तो नहीं दे रहा सर, नाइन अरे ऊपर से देखना शुरू कीजिए, मारक बाधक पे कॉन्सेंट्रेट, मारक दे रहा सर, टू सेवन हाँ इलेवन पे टू दे रहा है मरकरी सन क्लियरली, क्या दे रहा है, सन दे रहा है भी, टू दे रहा है टू दे रहा है, और क्या दे रहा है, सन का, और भी देख सकते हैं ना इधर, टेन दे रहा नाइन है। दे रहे हो, टेन टेन ऑल्सो डिनोट्स एंड ऑफ लाइफ बिकॉज इट 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 निगेट्स इलेवन, ठीक है, हाउस ऑफ क्योर। तो सन टू भी दे रहा है, जी टेन भी दे रहा है, ठीक हो गया। हाँ जुपिटर क्या दे रहा है, देखिए जुपिटर जुपिटर 1 दे रहा है, ट्वेल्व सबसे नीचे, देखिए सबसे दे नीचे, रहे हैं, 12 दे रहा है सर, लॉस हाँ 10 भी दे रहा है, 12 12 दे भी दे रहा है, ठीक है, ठीक रहा है, हाँ थ्री हो गया। वीनस क्या दे रहा है, अभी बाधक तो बाकी ही है, इलेवन सर, वो स्ट्रॉन्गली तो दे 11 रहा है दे रहा सर, बाधक 11 उसी डेट को। उसी डेट का तो 11 ये वेरीफाइड हो गया, नहीं हो गया, करेक्ट, ये हमको फीस तो देते नहीं है, ये इनकी है, इतने दिन से परेशान थे, इनको कर दिया हमने। हर अरे फीस दी हुई है आपको, फीस दे दी थी यार पहले ही आपको, है ना, इतने दिन से परेशान थे, कहते थे फीस मुझे तो कुछ एडवांस भी भी नहीं दी थी पता है। सर, अरे इतने अच्छी है ना, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ जेनेटिक आ जाइए, हाँ जेनेटिक सर देख एक लेते बात हैं, बताइए सर, मारक और बाधक दोनों आने चाहिए ना, सिर्फ बाधक से नहीं मारक चलेगा, ठीक मारक बाधक दोनों आएगा, है इसीलिए ठीक बाधक रखा ही गया है। है ठीक है, जेनेटिक देख लिया था हमने, या बाकी है देखना, वो तो वीनस था सर, हो गया था ना। तो ये हाँ बिल्कुल है, देखिए हाँ ताहिर ताहिर मंजूर जी की हॉरोस्कोप बन गया, ठीक है, बना दी मैंने आज, बना दिया एक एक इनका इवेंट जो है ना वो देख लिया। आप अपने एक जो डॉटर या सन का बर्थ है वो अपनी वाइफ के उससे देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये ये ताहिर जी का बनाया आपने ताहिर जी का बनाया है, ठीक जी है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसमें, देखिए ऊपर ये वो प्लेस ऑफ अरे बर्थ लिखा हुआ है ऊपर, देखिए ताहिर जी आप अपना अपने बेटे की उम्र वो भूल गए थे, ईयर मैंने आपको बताया 89 है आप सस्पेंस रखना चाह रहे थे कि नहीं मेरा नहीं है, मैं जान के वो भूल मैंने जाऊंगी, एटी देखिए सिक्स नहीं नहीं देखिए वो एटी ऊपर सिक्स बेटी की थी, वो मुंह से निकल गया मेरे, ऊपर हमने वो दिया हुआ है, देखिए हाँ ये देखिए सरगोधा पंजाब सरगुजा पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान। ध्यान ही नहीं गया जी हाँ अरे नहीं तो आप तो अपनी डेट ये बताइए, हम आपका एनालिसिस करेंगे पूरा, कब से मांग रहे हैं, आ तो गया डेट इनका, ये है हाँ तो तो नहीं है नीचे ये सारा कुछ, 25/4/1956, 6:11 हाँ मिनट 28 सेकंड। ठीक है, अब अब आप तो अदिति रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ आ गई अब आप अदिति जी के हवाले हैं, अब वो आपका एनालिसिस करेंगे। पूरा पोस्टमार्टम करूंगी मैं आपका, नहीं मेरा मेरा वीनस सेकंड हाउस में बैठा है सर, बिल्कुल ठीक है, हाँ हम पहली बने थे, आपका वीनस बहुत अच्छा है, अरे इनके थोड़ा हॉरोस्कोप आप देख, एक निगाह चली डाली लीजिए इनके हॉरोस्कोप पे आप लोग, सर अगर इट नॉर्थ इज अ सर वेरी जरा उसमें दिखा दे इट इज अ वेरी सर, जरा गुड नॉर्थ सर हॉरोस्कोप, इट इज अ थोड़ा वेरी नॉर्थ इंडियन अच्छा सर दिखा नॉर्थ में देंगे दिखा तो दे प्लीज, ज्यादा ज्यादा इजी नॉर्थ इंडियन में रहेगा, दिखा दे इसे। अच्छा ठीक है एक मिनट, आ गया नॉर्थ इंडिया। हाँ
हाँ मैं बोली ये थी आपका जुपिटर, जुपिटर भी अच्छा, आप बोल रहे थे नहीं जुपिटर भी देखो अरे अरे आपने। इनका इनका हॉरोस्कोप बहुत जुपिटर अच्छा फर्स्ट हाउस में है ये। है, अरे इनकी महादशा वगैरह बहुत अच्छी चल रही है, चल भी रही है, आगे आने वाली बहुत अच्छा है। 2, 6, 10, 11 सब इनका बहुत तगड़ा है। ही इज वेरी वेल ऑफ, इससे जो लग रहा है मुझे ही इज वेरी वेल ऑफ। इनका प्रोफेशन वगैरह जो करते हैं सब कुछ मैच करता है। ठीक है बट ये आप बहुत ज्यादा, एक ज्यादा लोगों को एक बार में नहीं अटेंड कर पाते हो, एक एक करके अटेंड करते हो राइट? साहिल किसको बोल रहे हो आप? जी को क्या क्या मतलब? बहुत ज्यादा जनता आ जाए तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, 1 to 1 ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट करते हो। चलिए एनालिसिस आप कर अच्छा लीजिएगा इनके वो साथ, ठीक है ना। इनका वैसे सर, ये मुझे व्यवहार सिर्फ ये राहु, बहुत अच्छा, मुझे राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लगा, बाकी तो सारा कुछ ठीक है ये कोई नहीं फोर्थ अब हाउस कुछ में। तो सब में होगा ना, सब कुछ तो हाँ परफेक्ट, हाँ उसी को हाँ देख के बोल रहा आपको कि आप नहीं सर, मास राहु सैटर्न का वीनस। कॉम्बिनेशन, राहु सैटर्न में 7 डिग्री का फासला है भैया, ऐसा थोड़ी है कुछ। हाँ 7 डिग्री का फासला है राहु सैटर्न में, इतना चिंता वाली बात नहीं है। वैसे इमोशनल आदमी है। भी कोई वो राहु सैटर्न से कुछ ज्यादा वो फर्क नहीं, आपका वीनस 11th जी हाउस हाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, अपने अपने राशि में बैठा हुआ है। आपका आपका जुपिटर उच्च का है, बहुत बहुत बढ़िया है सारा कुछ आपका, बहुत सेल्फ एवरीथिंग इज मेड मैन है, सेल्फ मेड। एवरीथिंग इज वेरी गुड। हाँ सेल्फ मेड है और बहुत बढ़िया चल रहा है इनका सारा कुछ, ठीक है। आपके देखिए जुपिटर सर भी उच्च का है, आपका मंगल भी उच्च, तभी तो आपकी क्लास में बैठे हैं सर, हाँ आपके आपका मंगल भी उच्च का है, ठीक और है। आपकी आपकी वाइफ आपकी मम्मी ने ढूंढी है। मेरी माँ की, माँ के भाई की बेटी है देखो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया मेरी ताहिर जी, मेरी आपको नहीं मामू की कहते बेटी है पर वो। हाँ ताहिर जी मेरे भी हाँ फील हो आप। हाँ रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं? हाँ हाँ सॉरी नहीं, मैं ठीक यूट्यूब पे अगर डालता हूँ तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है ना। ये मैं ठीक रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, उसके बाद इसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। अभी तो ये है फिलहाल आपका, दिस इज योर फाइनल टाइम ऑफ बर्थ विच इज कंफर्म्ड हर तरीके से, इसमें कहीं कोई अब गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आपका बहुत बढ़िया है हॉरोस्कोप, यू बिल्कुल कैन ठीक। रेस्ट एश्योर्ड दैट एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। आपका 10th 10th सब लॉर्ड आपका जो है 7th दिखा रहा है, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल हाँ जी। और आपका जो है 6th हाउस 7th हाउस दोनों वीनस है, ठीक है। वीनस 7th है और जो आप काम करते हैं, जी जो आप हाँ काम करते हैं ना वो सैटर्न देखिए 8वां भाव, और वीनस जो आप पेंट्स वगैरह का काम आपने किया है उसका जो है कारकत्व वीनस का वो है, लिक्विड, पेंट्स का, वो और भी लिक्विड है ना सर जी। मैन्युफैक्चरिंग 8वें भाव से होती है, ठीक है। तो सारा आपका एवरीथिंग हाँ फॉल्स इनटू प्लेस, बहुत ही बढ़िया है आपका हॉरोस्कोप। राहु सब लॉर्ड है 2nd हाउस का, राहु रिप्रेजेंट्स वीनस, सो एवरीथिंग इज वेरी गुड। आपका जी 2, 6, 11 कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आपकी अभी जो आपकी केतु की आपकी दशा चल रही है, केतु आपका क्या, केतु क्या दिखा रहा है, केतु आपका वीनस को दिखा रहा है। आप वीनस के सिग्निफिकेशंस को देख लीजिए, हाँ वीनस जी के सिग्निफिकेशंस, अरे ये तो 4th हाउस है। ओहो सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 10th हाउस आपका वीनस, सारा कुछ वही बदल कह रहा था गया। भाई, देखिए 10th हाउस हाँ आपका वीनस है ना, वो सामने सामने आपके हाँ 8वें को दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स सारा कुछ जो है। 2nd हाउस का, 2nd हाउस का लॉर्ड है, अभी आपकी केतु की महादशा चल रही है। केतु केतु रिप्रेजेंट्स व्हाट, केतु रिप्रेजेंट्स, वेर इज केतु, केतु उसमें केतु केतु स्टैंड फॉर वीनस, ठीक है। तो वीनस के कॉम्बिनेशन जी आपके बड़े जबरदस्त हैं, वीनस 2nd को दिखा रहा है, अनटेनेंटेड है, 10th को दिखा रहा है, सो यू आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। इसके बाद वीनस 20 साल चलेगा आपका, ठीक है। तो आप कोई आपको किसी तरह की कोई चिंता की अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत तो लगे रहते हैं, बट अदरवाइज ठीक ठाक है, सर ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि 8वां जहां आ जाता है तो वो थोड़ा फर्स्ट और 8 का यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है वीनस से, जस्ट बी केयरफुल, ओके। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जी फर्स्ट और ठीक 8 का कॉम्बिनेशन जहाँ आ जाता है ना वहां पे थोड़ा
थोड़ा चोट वोट लगने का खतरा हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा हो जाता है। तो जस्ट बी केयरफुल, स्पेशली जब आपका 2026 के बाद आपके वीनस की महादशा जब शुरू होगी, तो थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। अदरवाइज तो योर हॉरोस्कोप इज वेरी गुड, नथिंग टू वरी अबाउट। कल जी इसका एनालिसिस करेंगे पूरा। मरकरी बैठा है फर्स्ट हाउस में सर, केतु के साथ। आप, अरे भाई आपके तो बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपका सारा कुछ है। एवरीथिंग इज वेरी गुड। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस इनका सूर्य भी उच्च का है इनका भाई, और इनका मंगल भी उच्च का है। अरे बाप रे, जुपिटर भी उच्च का है। है सर। सूर्य उच्च का नहीं है? यस, उच्च का एरीज में है सूर्य उच्च का है ना, ना। ऊपर राशि चार्ट देख रहा हूँ मैं, नीचे उसी में भावे ना चार्ट। देखा जाएगा। उच्च नीच तो उसी में देखते हैं ना, अच्छा, उच्च नीच उसी में देखते हैं। जुपिटर, मार्स और सूर्य तीन इंपॉर्टेंट प्लैनेट की ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। तो आई थिंक ये देखिए, सब लॉर्ड को ट्वीक करना इज अनदर एक तरीका है बीटीआर करने का, जहां पे टाइम कोई बोलता है कि ठीक है हमारा दो जी सर, चार 10 मिनट ऊपर नीचे होता होगा, तो उसमें सिर्फ अगर आपका ये टाइम जो मैंने निकाला 6:16, आपने अगर सपोज आपको पता रहता, तो आपका एक सब लॉट चेंज करने से सारा हॉरोस्कोप ठीक हो जाता, सारे इवेंट्स आपके मैच कर रहे हैं। अब आपको पता है आप और जो इवेंट मैच करना चाहिएगा करके देख लीजिएगा। तो आई थिंक दैट्स इट। इतने इतने इवेंट है ही नहीं सर को इस तरह के कोई याद रखने वाले। अब छोटी नहीं मोटी ठीक है, तो जिंदगी में चीजें चलती रहती हैं। जी हाँ, मेन मेन इवेंट तो आपका हो ही गया हाँ ना। मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फॉर द लास्ट 40-50 इयर्स बिल्कुल एक सिस्टम रूटीन में चल रही है। नहीं, बहुत आपका बहुत बढ़िया है भैया। आप जी हाँ आर यू आर ब्लेस्ड विद हाँ अ ब्लेस्ड जी विद हाँ अबव एवरेज हॉरोस्कोप, नथिंग टू वरी अबाउट है ना आपका। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बन रहा हूँ सर। ये देखें, आपने उस दिन कहा था मुझे कि हो सकता है जो मेरी प्रिडिक्शन अरे भाई, गलत हुई थी। जिसका जिसका जुपिटर उच्च का है ना, जिसका सैटर्न सूर्य उच्च का है, सैटर्न 8th हाउस में बैठा है सर। सैटर्न 8th हाउस में बैठा है। सैटर्न जॉब एट का, हाउस में बैठा प्रोफेशन है, का कारक होता है वो। 8th हाउस से कुछ ना कुछ होगा ही मरकरी एस्ट्रोलॉजी। मरकरी सेकंड हाउस में बैठा है, तो एस्ट्रोलॉजर तो आपने बनना ही बनना है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन होगा ही आपका। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपका उच्च का लग्न में बैठा हुआ है, तो कोई चिंता सर करने। एक्चुअली मैंने मैंने जो सर नाइन्थ हाउस मैंने जो का, पढ़ा नाइन्थ हाउस का मिस्ट्री लॉर्ड आपका एग्जॉल्टेड है। सर, आप 8th का लॉर्ड भी सर 10th हाउस ये में जो बैठा था। 8th का लॉर्ड 10 मतलब प्रोफेशन एट होगा, का लॉर्ड ऑकल्ट का बना, होगा, ऑकल्ट बिल्कुल का होगा। आप प्रोफेशन भी बना सर सकते हैं। ये जो पामिस्ट्री, ये जो पामिस्ट्री सर, ये तो मैं को 9th 10th क्लास से कर रहा हूँ। हाँ सो तो सर, मैं इन अ वे एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूँ इन दैट सेंस। ओके, तो प्रडिक्शन तो मैं कर रहा हूँ। जी ये सब हाँ तो अलाइड साइंसेस है ना, दीज आर ऑल अलाइड साइंसेस। यू कैन टेक अप जी हाँ वास्तु जी हाँ जी इफ यू हाँ वांट टू, वास्तु भी कर सकते हैं, जी टीचिंग हाँ कर सकते हैं। साइंस की देखिए शायर सर, भी तो है ना सर। जितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने का शौक है, जो लोग क्लास, वेट भी हूँ सर मैं। मैंने आपको अपनी पोएट्री भेजी थी। मैं पोएट भी हूँ सर, अरे रिकग्नाइज्ड एंड पब्लिश्ड पोएट। वो आप भेज दो ग्रुप में, वो डाल दो, सब लोग सुन लेंगे उसको। आप पोएट भी अदिति हैं। जी को मैंने भेजी थी। हाँ, वो हाँ मुझे रिकॉर्ड करके भेजा था सर। हाँ, सर, राइटर के लिए हाउस कॉम्बिनेशन क्या होता है उसी सर? से थर्ड हाउस थर्ड हाउस राइटर के लिए। हाँ थर्ड हाउस मरकरी सेकंड में बैठ गया ना जाके उनका। सेकेंड हाउस मेरा स्ट्रॉन्ग है। मैं वैसे भी हम बड़े फैमिली ओरिएंटेड आपके लोग हैं सारे सर। हाउसेस स्ट्रांग है, लंबी उम्र भी हाँ है, जी हाँ लंबी उम्र भी है। बीमारी शिमारी हाँ का कुछ ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कहीं। सैटर्न सब लॉर्ड जो है आपका, सैटर्न सब लॉर्ड 7वां दिखा रहा है, सर, वैसे भी सैटर्न 8th हाउस में लंबी उम्र देता है सर। लंबी उम्र देता है, 11वां दिखा रहा है, और 6th हाउस से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है सैटर्न का, है क्या? 6th हाउस से अनटेनेंटेड है, नहीं सब लॉर्ड नहीं है 6 का, तो बीमारी भी आपसे दूर ही रहेगी ज्यादातर। छोटी मोटी तो सबको होती है,
ठीक है। राहु 8th हाउस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, बट उसका सब डिपॉजिटर ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है। मार्स राहु अट्रैक्ट कहाँ 8th हाउस में है इनका? राहु अच्छा, 8th हाउस वो आप में, उसमें वेदिक में देख, चलो वेदिक वो जब आएंगे तो उसमें देखेंगे, उसको देखने के दूसरे तरीके होते हैं। हाँ सही बात। चलिए, तो आई थिंक BTR, आई नेक्स्ट आप में थिंक आपने आप में आपने हॉरोस्कोप अपने वो अपने में सॉफ्टवेयर में इसको बनाता हूँ, हाँ जी, आप डाल लो आप इसको। अपने सॉफ्टवेयर में बनाता हूँ अपना हाँ डाल हॉरोस्कोप। जी लीजिए, हाँ अब तो जी आ हाँ गया आपका, हाँ ठीक है ना? तो हाँ चलिए, आई सर थिंक बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस नहीं, अगेन। यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने आपके पहले भी बड़ा शुक्रिया किया, मैं दोबारा आपका शुक्रिया करता हूँ। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट विच आई हैव गॉट थ्रू केपी माई ओन चार्ट। देखिए, BTR BTR केपी के अलावा हाँ किसी भी पद्धति में संभव नहीं है, जी किसी हाँ भी पद्धति में संभव नहीं है। रूलिंग प्लैनेट्स सर, संभव आपके नहीं है सर, वेदिंग में नहीं है संभव। वैदिक में डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संभव नहीं है। वैदिक में भी मैंने एकाध किया है, जब वैदिक पढ़ाऊंगा उसमें दिखाऊंगा। नवांश से मैंने एक वहां से कर सकते हैं सर, और D10 से कर, नवांश नवांश से मैंने एक BTR किया है, ठीक है? तो राशि से नहीं कर सकते, राशि चार से तो किसी हाल में नहीं हाँ कर कर सकते। सकते हैं, लेकिन इतनी एक्यूरेसी नहीं है मिलेगी, क्यों? नहीं। ये रूलिंग प्लैनेट्स आपको एकदम किनारे तक ला करके छोड़ देंगे, उसके बाद 2-4 मिनट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? चलो, आप लोगों को एक चीज मैं दिखा देता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को। वो क्लास तो चला गया वो। एक ट्विंस के हॉरोस्कोप थे, था ट्विंस ये आप लोग देख पा रहे हैं, जी सर। ये ट्विंस का केस है। दिस वाज अ वेरी फेमस केस इन इंडिया। मैंने कोशिश की पता लगाने की, और ये मेरठ के बच्चे हैं, 3 मिनट के फासले में पैदा हुए थे, ठीक है? देखिए क्या डेथ लिखा, भी साथ में हुई है, डेथ भी साथ में हुई है। सेम डे या एक दिन के फासले पर। द वेरी फेमस केस, ग्रेगरी रेमंड रफायल रिमेम्बर्स द डे April 23, 1997, the delivery doctor said had been successful and his wife Soja was fine, heart beating. Basis twins looked exactly alike. The young parents named them as both chose computer engineering, both had jobs. The paper में था, it is in YouTube also, you can go and see it. They caught the deadly fever on the same day, COVID में. Last week, after struggling with COVID, they died together hours after one another. Rafael said, "You almost knew that his sons had to make it. They would come home together or they wouldn't. Whatever happened to one, it happened to the other. That's how it was since their birth. I told my wife after we got news that Geoffrey had died that Raphael won't return home alone either. They died on May 13th and May 14th, hours apart. He said the twins had a lot of plans for us. They wanted to give us a better life. ये देखिए, यहाँ हिंदी में पढ़िए, इंडिया टुडे की, उस्मान चौधरी पेशे से टीचर के, एक का नाम था। इनका जन्म में महज 3 मिनट का फर्क था। जी अगर कोई अगर कोई लोकल मेरठ का कोई हो, अगर वो पता लगा सके एग्जैक्ट इन लोगों का टाइम ऑफ बर्थ, तो इट कैन बी अ वेरी गुड केस स्टडी। सर,
मुझे मिल नहीं पाया, मैंने कोशिश की। देखिए शक्ल भी देखिए दोनों की, यू कैन सी सेम है शक्ल देखिए, ऑलमोस्ट दे डाइड एक दिन के फासले पर, दोनों की डेथ हो गई। हो सकता है सर सब लॉट नहीं चेंज हो रहे थे तो सब सेम प्लॉट हो। नहीं चेंज हुआ होगा, अदरवाइज सेम प्रोफेशन, सेम डे डेथ, सेम एवरीथिंग, सब लॉट, दैट्स व्हाट आई मीन। 3 मिनट के फासले पे सब लॉट्स नहीं चेंज हुए होंगे, या हुए होंगे तो शायद एक हाउस के सर हुए होंगे। हाँ शायद सारे नहीं हुए होंगे। जो क्योंकि एक गुड़गांव में था और इनकी एक कहीं और था तो इनकी वो थोड़ा हैबिट्स भी, इनकी हैबिट्स भी एक तरह की होंगी सर। सब कुछ हाँ वो एक, उन्होंने देखो ना थाई जी हाँ एजुकेशन सेम टाइम पे स्टार्ट की नौकरी सेम जी हाँ टाइम पे जी हाँ। बस एक हैदराबाद में था और एक दिस इज ऑन यूट्यूब, आप लोग देख सकते हैं, में। यूट्यूब यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ठीक चलिए ठीक है फिर, ओके देन, जी वी ठीक है कॉल थैंक इट यू अ डे। सर थैंक यू सो मच, ओके, चलिए, थैंक यू गॉड ब्लेस बाय बाय बाय। थैंक यू।